क्या आप जानते हैं कि शहीद भगत सिंह के शव को दो बार क्यों जलाया गया था? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी चिता को दो बार आग के हवाले किया गया था। ऐसा नहीं है कि आजादी के मतवालों को मारना इतना आसान था। इनको मारने की हिम्मत अच्छे अच्छों की नहीं होती थी, लेकिन इनको धोखे से मारा जाता था। ऐसा ही कुछ भगत सिंह के साथ हुआ। बता दें कि भगत सिंह की मौत से जुड़ा सबसे बड़ा सच ये है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने जनता के डर से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। उसके बाद इन बेरहम अंग्रेजों ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सतलज नदी के किनारे हुसैनी वाला के पास जलाया था। लेकिन देश के लोगों को इन वीर पुत्रों का यहाँ पर जलाना अपमानजनक लगा। इसके बाद स्वदेशियों ने सम्मान के साथ इन वीर पुत्रों का अंतिम संस्कार लाहौर के पास रावी नदी में किया था। इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि 23 मार्च 1931 को इन सेनानियों को फांसी दी गई थी और उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार इनके शवों के टुकड़े किए गए। फिर इनको चुपचाप सतलज नदी के किनारे ले जाकर इन शवों को बेहद अपमान के साथ जलाया गया था। लेकिन इस बात की खबर देशवासियों को लग गई। इसी समय वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिनमें लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती और भगत सिंह की बहन बीबी अमर कौर भी मौजूद थी। वहां के हालात और इतनी भीड़ को देखकर अंग्रेज उनके शवों को अजला वहां पर छोड़कर भाग निकले। उसके बाद देश के लोगों ने वीर पुरुषों के शव को सम्मान के साथ लाहौर के रावी नदी के किनारे जलाया। खबर के मुताबिक पता चला है कि जब अंग्रेज इनके शव को अजला छोड़कर भाग गए थे, तब इन लोगों ने इन तीनों के शव को जलती हुई आग से बाहर निकाला। उसके बाद इनको लाहौर ले गए और तीनों शहीदों के लिए तीन अर्थियां बनाई गई। इसके बाद अंत में सम्मान पूर्वक इन तीनों की शव यात्रा निकाली गई। इसके बाद हजारों लोगों की भीड़ के सामने इनको सम्मान पूर्वक अग्नि के हवाले किया गया। इसलिए कहा जाता है कि भगत सिंह की चिता को दो बार अग्नि दी गई थी। इस सच्ची घटना का वर्णन सुखदेव के भाई मथुरा दास ने अपनी किताब मेरे भाई सुखदेव में किया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको ऐसी और भी कई जानकारियां यूं ही पहुंचाते रहेंगे। हर रात 9 बजे इसी चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।